देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन मंडी में ब्लाबला ऐप के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए रविवार और सोमवार को फिर निजी गाड़ियों को पकड़कर उनके चालान करवाए हैं। सोमवार 2 सितंबर को देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने जिन प्राइवेट गाड़ियों को सवारी ले जाते हुए पकड़ा, उनके नंबर HR03U9504 और HP8775H टेम्परेरी नंबर शामिल हैं। पुलिस द्वारा इन गाड़ियों के 10 से 10,000 रुपये के चालान किए गए। इससे पहले रविवार को 2 निजी गाड़ियों को मंडी से चंडीगढ़ सवारियां ले जाते हुए पकड़ा, जिनके नंबर 34E5343 और PB01N0834 हैं। पुलिस द्वारा इनके 10,000 रुपये के चालान किए गए। देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन मंडी का कहना है कि निजी गाड़ियों के प्रयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हद ये हो गई है कि जो लोग इस अवैध धंधे को कर रहे हैं वह लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। कई बार गाड़ी के अंदर महिलाएं भी होती हैं और वह भी लड़ाई करने लग जाती हैं। यूनियन ने कहा कि हम रोजाना सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस ब्लाबला ऐप को बंद किया जाए, जिससे परिवहन विभाग को भी रोजाना लाखों रुपए की चपत लग रही है, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी हैं कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। नमस्कार, मैं कोषाध्यक्ष जोगिंदर पाल, देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन मंडी। आज हमने ब्लाबला के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए 2 निजी गाड़ियों को मंडी से चंडीगढ़ सवारियां ले जाते हुए पकड़ा, जिनके नंबर PB01N0834 HP34E5343 HR03U9504 HP8775 टेम्परेरी नंबर थे। पुलिस को मौके पर बुलाकर इनके 10,000 रुपये के चलान करवाए गए और हम बार बार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस ब्लाबला ऐप को जो बंद किया जाए, लेकिन परिवहन विभाग भी अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इस ब्लाबला ऐप से टैक्सी वालों को तो नुकसान हो ही रहा है, परिवहन विभाग को भी रोजाना लाखों रुपए की जब्त लग रही है और उनके अधिकारी हैं कि अपने ऑफिसों से बाहर नहीं निकलते हैं और चेकिंग नहीं करते हैं। हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इस ब्लाबला ऐप को जो है बंद किया जाए। धन्यवाद। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।